नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। अभी पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम मची है और इस माहौल में गणपति बप्पा से जुड़े रोचक तथ्यों को जानने का इससे अच्छा मौका तो कोई हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में गणपति बप्पा से जुड़ी एक रोचक जानकारी दूंगी। आप में से ज्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि गणपति जी को दुर्वा यानी धूप कितनी अधिक प्रिय है। उनकी पूजा हरी धूप के बिना अधूरी मानी जाती है। वहीं तुलसी का प्रयोग बप्पा की पूजा में निषेध माना गया है। तुलसी दल चढ़ाने से गणपति जी क्रोधित हो जाते हैं। ऐसा क्यों है, आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके पीछे की वास्तविक कथा सुनाऊंगी। इसीलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सभी देवी देवताओं में गणेश जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें दुर्वा अर्पित की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पूरी सृष्टि पर अनिलासुर नामक राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण ऋषि मुनि, देवता, मानव, पशु पक्षी सभी परेशान थे। असुर के आतंक से परेशान होकर सभी देवता शिव जी की शरण में गए और उनसे विनती की कि वे उन्हें इस दैत्य से बचाएं। तब शिव जी ने गणेश जी को बुलाकर अनिलासुर के संहार करने की जिम्मेदारी बप्पा को दे दी, जिसे गणेश जी ने सहर्ष स्वीकार किया। तत्पश्चात गणेश जी और अनिलासुर का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गणपति बप्पा ने अनिलासुर को निगल लिया। दैत्य को निगलने के कारण भगवान गणेश के पेट में भयानक जलन होने लगी। इस जलन को दूर करने के लिए ऋषि कश्यप ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर भगवान गणेश को खाने के लिए दी, जिसे खाते ही बप्पा के पेट की जलन खत्म हो गई और तभी से श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करने की प्रथा का आरंभ हुआ। वहीं गणेश जी को तुलसी ना चढ़ाने के पीछे का भी एक कारण है। एक बार भगवान गणेश अपने मूषक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे, तब रास्ते में देवी तुलसी की दृष्टि उन पर पड़ी तो वे देखते ही बप्पा पर मोहित हो गई और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे डाला, जिसे भगवान गणेश ने यह कहकर ठुकरा दिया कि वे अभी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं। परंतु देवी तुलसी जिद पर अड़ी रही और बार बार विवाह करने की बात करती रही। तुलसी की जिद से नाखुश होकर बप्पा ने तुलसी को श्राप दे दिया कि अगले जन्म में उनका विवाह एक राक्षस से होगा, लेकिन अगले जन्म में वो एक देहधारी ना होकर एक वृक्ष के रूप में जन्म लेगी। और तभी से इस श्राप के कारण गणपति जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित हो गया। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जान ही गए होंगे कि क्यों गणेश जी को दुर्वा इतनी अधिक प्रिय है किंतु तुलसी नहीं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।